हर हर महादेव दोस्तों। वैसे तो पूरे भारतवर्ष में माँ के अनेक स्वरूपों की पूजा होती है और अनेक स्वरूपों की पूजा हमारे उत्तराखंड में भी होती है, लेकिन उत्तराखंड में पूजे जाने वाली कुछ प्रमुख लोक देवियों के बारे में मैं आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। उनके नाम किस प्रकार हैं, कुमाऊं मंडल में कौन सी प्रमुख देवियाँ हैं और गढ़वाल मंडल में कौन सी प्रमुख देवियाँ हैं, इन सभी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रोज की तरह रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन भी जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि उत्तराखंड की संस्कृति और इतिहास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। माता के अनेक स्वरूपों की पूजा हमारे पूरे भारतवर्ष में होती है, लेकिन माँ के कई अन्य और स्वरूपों की पूजा हमारे उत्तराखंड में होती है, जिनके बारे में मैं आज की वीडियो में जिनके नाम आप सभी को बताने वाला हूँ। दोस्तों माता के कई अन्य स्वरूप भी हैं, इनके बारे में देवभूमि इंडिया ने माता के प्रसिद्ध मंदिर जो उत्तराखंड में स्थित हैं इनके बारे में आप सभी को बताया हुआ है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी मैं उसका लिंक आपको देने की कोशिश करूँगा। माता के कई स्वरूपों की पूजा हमारे पूरे उत्तराखंड में होती है। माँ के कई नामों के बारे में मैं आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ, जिनमें से प्रमुख हैं कुमाऊँ क्षेत्र में जो माता के प्रसिद्ध पूजा पद्धति है, किन किन रूपों में उनकी पूजा होती है उनके बारे में। उनके नाम इस प्रकार हैं, पूर्णागिरी, माँ नंदा देवी, गढ़ देवी, घर देवी, रक्षा देवी, शीतला देवी, चामुंडा देवी, कोकिला देवी, खप्पड़ देवी, मल्लिका देवी, जाखन देवी, भ्रामरी देवी, अयारी देवी, झूमा देवी, गढ़ देवी, हिंगला देवली, चंपावती देवी, उल्का देवी, जाखन देवी, गिरजा देवी, बाणी देवी, कसार देवी, सूर्या देवी और माँ के अन्य कई और स्वरूपों की पूजा भी हमारे उत्तराखंड के कुमाऊँ क्षेत्र में होती है। दोस्तों आप माँ के किसी अन्य और स्वरूप की पूजा कुमाऊँ क्षेत्र में अगर आप जानते हैं उसके बारे में तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम जानने वाले हैं गढ़वाल मंडल में पूजी जाने वाली लोक देवियों के बारे में। चंद्रावंती देवी, सुकुंडा देवी, कुंजारी देवी, मैणा देवी, धारी देवी, काली देवी, कुमासेन देवी, कुम्हाड़ी देवी, ज्वालपा देवी, सहजा देवी, नंदा देवी, राज राजेश्वरी, उल्का देवी, नागिनी देवी, झालीमाली देवी, कुल्हेड़ी देवी, चौमुख्या देवी, जोगणी देवी, आँचरी चाँचरी, गढ़ देवी, गैरजा देवी, उल्का देवी, उफरा देवरी, नागिनी देवी, सारो देवी, जाला देवी, कोक्सी देवी, धोरा देवी और माँ के अन्य स्वरूपों की पूजा भी गढ़वाल मंडल में भी होती है, जिनमें से प्रमुख माँ नंदा देवी की पूजा हमारे उत्तराखंड के कुमाऊँ क्षेत्र में और गढ़वाल मंडल में दोनों जगह होती है। इसीलिए माँ नंदा को उत्तराखंड की कुल देवी के रूप में भी पूजा जाता है तथा प्रसिद्ध माँ धारी देवी को चार धाम की रक्षक देवी के रूप में पूजा जाता है, जो कि उत्तराखंड के श्रीनगर में स्थित है। दोस्तों और माँ के कई ऐसे स्वरूप हैं, माँ के भ्रामरी स्वरूप की पूजा अगर की जाए पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एक जगह होती है, जो कि कोट भ्रामरी मंदिर में होती है। यह उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद में स्थित है और साथ में न्याय की देवी के रूप में पूजी जाने वाली माँ कोकिला देवी की पूजा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में होती है। दोस्तों माँ के कई ऐसे अन्य स्वरूपों की पूजा भी हमारे उत्तराखंड में होती है, उनके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। उत्तराखंड में पूजे जाने वाले माँ के किसी और स्वरूप के बारे में अगर आप जानते हैं तो वह भी हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उत्तराखंड की संस्कृति और इतिहास से जुड़ी किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद।